महाराष्ट्र विधानसभा में बहस के दौरान देवेंद्र फडणवीस का उद्धव पर तंज, कहा मैं लौट कर आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर साधा निशाना, कहा जनादेश का किया अपमान, 105 सीट वाले विपक्ष में बैठे। देवेंद्र फडणवीस के हमले पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, बीजेपी इस हाल के लिए खुद है जिम्मेदार, आप अच्छे रहते तो ये नहीं होता। लौटकर वापस आने के फडणवीस के बयान पर उद्धव ठाकरे का जोरदार हमला, बोले अब तो मैं यहां आ गया। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव का बयान, कहा हिंदुत्व न सिर्फ उनकी विचारधारा बल्कि हमेशा कायम रहने वाला सिद्धांत। कांग्रेस के खाते में गया महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का पद, नाना पटोले ने संभाली कुर्सी। देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, 16 दिसंबर तक विधानसभा स्थगित। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के बागी तेवर, पिता की बरसी के दिन बड़ी रैली का किया ऐलान। पंकजा ने कहा 8 से 10 दिनों के बीच लेंगी बड़ा फैसला, फडणवीस से नाराज होने की हैं अटकलें। पंकजा की रैली पर बीजेपी नेता रामदास कदम का बयान, बोले वो पार्टी के सक्रिय सदस्य। नागरिकता बिल पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का तंज, अमित शाह और पीएम मोदी को बताया प्रवासी, गुजरात से आए हैं दिल्ली। मैं तो ये कह सकता कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिया है, घर आपका गुजरात, आ गए दिल्ली, तो आपने तो खुद माइग्रेंट है। अधीर रंजन के बयान पर बौखलाई बीजेपी, कहा कांग्रेस ने किया पीएम का अपमान। देश के प्रधानमंत्री को बाहरी और इमरान खान और बाजवा को अपना बताते हैं कांग्रेसी, कहां चली जाएगी कांग्रेस, कहां तक गिरेगी कांग्रेस। देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का कोई मौका कांग्रेस छोड़ती नहीं है। खराब अर्थव्यवस्था को लेकर उद्योगपति राहुल बजाज का बयान, माहौल ऐसा है कि आलोचना करने से लगता है डर। राहुल बजाज ने गृहमंत्री अमित शाह के सामने सरकार पर लगाया आरोप, कहा देश में अनिश्चितता का माहौल। राहुल बजाज ने गृहमंत्री अमित शाह से किए सवाल, आप काम कर रहे हैं तो फिर लोगों को बोलने की आजादी क्यों नहीं। राहुल बजाज के आरोप को अमित शाह ने किया फौरन खारिज, कहा पारदर्शी होकर काम करती है मोदी सरकार। अमित शाह ने कहा अगर आलोचनाओं में होता दम तो सरकार गलतियों को करती सुधारने की कोशिश। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने किया पलटवार, बजाज के बयान को राहुल गांधी की चापलूसी से जोड़ा। अमित मालवीय ने किया ट्वीट, लाइसेंस राज में फलने फूलने वाले उद्योगपति अभी भी निहार रहे हैं कांग्रेस की राह। राहुल बजाज के सवाल पर कांग्रेस हुई गदगद, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया ट्वीट, हमारा बजाज ने बजा दिया है बैंड। उर्मिला मातोंडकर ने राहुल बजाज का समर्थन करने की अपील की, किया ट्वीट, बुलंद भारत की तस्वीर हमारा बजाज। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सरकार पर हमला, कहा सिर्फ उद्योगपति ही नहीं हर तबके में डर का है माहौल। मंदी की आहट के बीच सरकार के लिए खुशी की खबर, नवंबर में 1,03,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन का बना रिकॉर्ड। आर्थिक मोर्चे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी की, 14 दिसंबर को मनाएगी भारत बचाओ दिवस। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक का दौरा। झारखंड के बोकारो में राजनाथ ने चुनावी रैली में राम मंदिर का छेड़ा राग, कहा अब बनकर रहेगा मंदिर। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रजापति के दो बेटों को बैंक का नोटिस, 42 लाख रुपए की रिकवरी का फरमान। हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर से गैंगरेप और मर्डर केस पर इशारों में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा सिर्फ सरकार पर निर्भर रहने से नहीं चलेगा काम। दिल्ली में आयोजित गीता महोत्सव में बोले भागवत, कहा घर से ही सिखाना होगा मातृशक्ति का सम्मान। अपने घर से प्रारंभ करना है, पुरुषों की मातृशक्ति की ओर, महिलाओं की ओर देखने की दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए।
उधर हैदराबाद कांड के चार दिन के बाद तेलंगाना के सीएम केसीआर ने तोड़ी चुप्पी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान। पीड़िता के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कल पीएम के सामने रखेंगे बात। पीड़िता के घर दिन भर लगा रहा नेताओं का तांता, आवाजाही का लोगों ने किया विरोध, कहा मेल मिलाप नहीं इंसाफ चाहिए। वेटनरी डॉक्टर से दरिंदगी पर भावुक हुए नेता अभिनेता चिरंजीवी, दोषियों को सरेआम फांसी पर लटकाने की मांग। हैदराबाद गैंगरेप केस पर दिल्ली में फिर प्रदर्शन, मंडी हाउस की सड़कों पर लिखे गए स्लोगन। तेलंगाना की वारदात पर झांसी में सड़कों पर उतरी महिलाएं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की मांग। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में कैंडल मार्च, महिला वेटरनरी डॉक्टर से हुई दरिंदगी का विरोध। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी ठिकानों पर पहुंची सुरक्षा एजेंसियां, भारी तादाद में हथियार बरामद। आतंकी ठिकानों से सुरक्षा एजेंसियों को मिली 2 AK-47 राइफलें, करीब 2000 राउंड गोलियां और वायरलेस सेट भी बरामद। सेना सूत्रों के मुताबिक करीब 10 साल पुराने हैं आतंकी अड्डे, हथियार जमा करने का काम करते होंगे दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की ओर से आने वाली साजिशों के ड्रोन से निपटने की तैयारी, बीएसएफ जल्द हासिल करेगा एंटी ड्रोन तकनीकी। सामने आई पाकिस्तान की नापाक साजिश, इमरान सरकार के मंत्री ने करतारपुर कॉरिडोर के पीछे बताया जनरल बाजवा का दिमाग। इमरान के रेल मंत्री शेख राशिद ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर हिंदुस्तान के खिलाफ उगली आग, कहा पाकिस्तान ने दे दिया है जिंदगी भर का जख्म। कमर जावेद बाजवा जैसे एक सिपा सलार और एक ऐसे जर्नैल की जिसने न सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर का एक ऐसा जख्म लगाया कि सारी जिंदगी हिंदुस्तान याद रखेगा। अब तक करतारपुर कॉरिडोर को लेकर इमरान खान ठोकते रहे थे दावा, शेख रशीद के बयान से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का खुलासा। बीजेपी ने शेख रशीद के बयानों को किया खारिज, कहा इमरान के मंत्री को अस्पताल भेजने की जरूरत। पाकिस्तान की आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं, तो ऐसे पागलों को मंत्रिमंडल में रखने के बजाय इमरान खान को उनकी सही जगह पहुंचाकर उनके इलाज कराने की जरूरत है। शेख रशीद के बयान पर पंजाब के सीएम आग बबूला, कहा सामने आ रही है पाकिस्तान की साजिशों वाली सोच। जीएसजीपीसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने शेख रशीद के बयान पर जताई हैरानी, कहा टूट गया इमरान को सच्चा मुसलमान समझने का भ्रम। इमरान सरकार ने जनरल बाजवा के कार्यकाल बढ़ाने का किया स्वागत, शेख रशीद बोले 3 साल बने रहेंगे पाकिस्तान फौज के मुखिया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा को फिलहाल दिया है 6 महीने का एक्सटेंशन, इमरान सरकार को संसद में पास कराना होगा कानून। राजस्थान की टोंक में दिल दहला देने वाली वारदात, 6 साल की मासूम की रेप के बाद गला घोंटकर हत्या, स्कूल से छुट्टी के बाद लापता थी मासूम। बिहार के समस्तीपुर में एक 14 साल की लड़की की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस को रेप के बाद हत्या का शक। सोनीपत में पत्नी और उसके प्रेमी ने की पति की हत्या, प्रेमी से नहीं मिलने देने पर पत्नी थी खफा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में धरा गया नकली वर्दी वाला, वर्दी का धौंस दिखाकर लोगों को लगा चुका था लाखों का चूना। ग्रेटर नोएडा में धरा गया नशे का तस्कर, 4 किलो गांजा, चोरी की बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की गिरफ्त में आया जालसाज, किराए पर मकान, दुकान और फैक्ट्री लेकर फर्जी तरीके से बेचने का करता था धंधा। बिहार के मंदिर में डबल मर्डर से सनसनी, एक फौजी ने पहले पत्नी और साली को मारी गोली, फिर कर ली खुदकुशी, वारदात की तहकीकात शुरू। यूपी के बस्ती में प्रेमी जोड़ी की लाश मिलने से सनसनी, हत्या के बाद दोनों को नदी में फेंका गया, पुलिस अब हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एटीएम में लूट की नाकाम कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस को लुटेरों की तलाश। मणिपुर के इम्फाल में धरे गए हथियारों के तस्कर, भारी तादाद में हथियार जब्त, नेटवर्क खंगाले में जुटी हुई है पुलिस। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में शादी समारोह के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। बुलंदशहर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 25,000 के 2 बदमाश दबोचे गए। यूपी के मुरादाबाद में धरी गई देसी शराब की बड़ी खेप, 1400 पेटी शराब जब्त। विकासनगर में पॉक्सो एक्ट के आरोपी ने थाने में लगाई फांसी, पुलिस महकमे में हड़कंप।
यूपी के श्रावस्ती में आरटीओ विभाग का क्लर्क घूस लेते हुए तस्वीरों में क्या, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घूस लेने का वीडियो वायरल। यूपी के आजमगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप, गांव के ही चार लड़कों ने बनाया हवस का शिकार, मुकदमा दर्ज। दिल्ली के उस्मानपुर में संदिग्ध हालत में एक शख्स की मौत, परिवार वालों ने लगाया पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप। यूपी के मैनपुरी में पकड़ा गया फर्जी टीचर, नकली दस्तावेजों के आधार पर हुई थी बहाली। यूपी के शाहजहांपुर में बेकाबू टाटा सुमो पेड़ से टकराई, दो की मौत, शादी में जा रहा था पूरा परिवार। पंजाब के लुधियाना में सड़क पर दौड़ती कार खाक, कार सवार चारों लोग सुरक्षित। चमोली के नीति घाटी में भारी बर्फबारी के बीच निकली बारात, आसमान से गिरती बर्फ के बीच झूमते रहे बाराती। बर्फबारी के बाद पटनी टॉप में बढ़ी सैलानियों की भीड़, बर्फ पर मस्ती करते दिखे अलग अलग जगहों से आए पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी जारी है बर्फबारी, शीतलहरी की वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट। पुदुचेरी में जोरदार बारिश से बड़ी मुश्किलें, कई इलाकों में पानी जमने से धीमी पड़ी है शहर की रफ्तार। बेंगलुरु में भी आसमान से बरसी आफत, कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। पुणे के दापुदी इलाके में नाले की सफाई करते हुए फंसे पांच मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गैसकांड की 35वीं बरसी पर भोपाल में लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला, इंसाफ की मांग। शिरडी साईं बाबा मंदिर का नाम लंदन की वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज, सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का बनाया है रिकॉर्ड। अयोध्या में शुरू हुई राम रसोई, राम भक्तों को मुफ्त में कराया जाएगा भोजन। रामलला के मंदिर के ठीक बाहर अमावा मंदिर में शुरू हुई राम रसोई, पटना का महावीर मंदिर ट्रस्ट कर रहा है संचालन। बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में बढ़ सकता है सौरभ गांगुली का कार्यकाल, बोर्ड एजीएम ने अपने पदाधिकारियों के कार्यकाल की सीमा में ढिलाई देने की मंजूरी दी। कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा बीसीसीआई प्रस्ताव, कोर्ट की मंजूरी मिली तो 9 महीने की जगह 2024 तक बोर्ड अध्यक्ष रह सकेंगे सौरभ गांगुली। टी20 वर्ल्ड कप में धोनी के शामिल होने पर बोले गांगुली, कहा धोनी से ही पूछिए।